हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं यहां पे ये SLV का D30 एम्पलीफायर। बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भैया ये D30 एम्पलीफायर टेस्ट करके देखिए कैसा है इसका परफॉर्मेंस। और आज की इस वीडियो में ना D30 के साथ में हम 21 इंच का बेस चलाने वाले हैं, यानी डबल 21 इंची के बेस, जो कि 5000 वाट की दो बेस होने वाली है। पूरा लोड डाल के देखेंगे कि हाँ ये कैसा वर्क कर रहा है और क्या आपको भी चलाना चाहिए। वो सारी जानकारी इसकी वीडियो में हो जाएगा। पूरा एम्पलीफायर खोल के दिखाऊंगा, बेसिकली खोला हुआ ही है, ठीक है ना, ऐसे ही लगा रखा ढक्कन, और पूरी जानकारी देखेंगे हम वीडियो के अंदर। मज़ा बहुत आने वाला है, तो वीडियो का एंड तक बने रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी आपको देखने को मिल रहा है एम्पलीफायर का बॉक्स पैकिंग। बेसिकली दोस्तों, ये है D30 मॉडल, और यहाँ पे इसके अलावा दो पैकिंग और होती है जब आप इसको घर पे ऑनलाइन बुक करते हैं घर पे मंगाने के लिए, ठीक है ना। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो फ्यूचर क्लास डी, यस क्लास डी, यार देखो एम्पलीफायर कहीं ना कहीं आपको आने वाले 10-15 साल में ज़रूर इंडिया मार्केट में धूम मचाते हुए देखने को मिले। खैर अभी भी मचा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे कुछ जो है वो आपको हाईलाइट पॉइंट्स देखने को मिल जाती है D30 की। ये जो तीन सीरीज़ है, बेसिकली तीन सीरीज़ में D30, D40 एंड D60 जो है वो लॉन्च करे हैं SLV ने अभी फिलहाल में, ठीक है ना। अभी ये वाला जो मॉडल है वो D30 है, सबसे हाईएस्ट डबल चैनल का पावरफुल एम्पलीफायर SLV की तरफ से। ओवरऑल और कुछ ज़्यादा डिटेल्स हमें नहीं मिलती है फ्रंट पे। चलिए मैं इसे फटाफट से अनबॉक्स कर लेता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं एम्पलीफायर। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर की फ्रंट की डिटेल्स। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा स्लिम है। अभी मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, अभी कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये एक CD प्लेयर है। नहीं भाई, ये CD प्लेयर नहीं है, ये एक एम्पलीफायर है। और ऐसे एम्पलीफायर आपने बहुत तो देखे होंगे, मतलब आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, काफ़ी जगह पे आपको ऐसे मिल जाते हैं। यस, और भी मतलब आप इंडिया से बाहर अगर आप लेके लेंगे तो ये एम्पलीफायर आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ओवरऑल अभी हम बात करते हैं फिलहाल में इंडिया के, तो SLV ने यहाँ पे ये D30 लॉन्च करा है। SLV की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ये जो है, ये आपको ये कर्ट्स देखने को मिलते हैं ना, ये है दोस्तों वेंटिलेशंस। अब वेंटिलेशंस के सामने यहाँ पे एक फॉर्म भी लगा रखी है ताकि डायरेक्ट जो भी गर्दा हो वो अंदर ना पहुँच पाए। इसके अलावा यहाँ पे ये वॉल्यूम ए वॉल्यूम बी, ये नोब्स हो जाते हैं आपके, और ये इंडिकेटर्स अलग से आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इंडिकेटर अलग आपको देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपका सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि आपका प्रोटेक्ट एंड क्लिप का लास्ट वाला इंडिकेटर है, और ये छोटी सी डिस्प्ले भी आपको जो वो मेंशन करी गई है। अब इस डिस्प्ले में क्या शो होता है वो तो खैर मैं आपको एम्पलीफायर ऑन करके ही बताऊंगा। सिंपल सा यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच ऑफ ये बटन हो जाता है। D30 की ब्रांडिंग यानी इसका मॉडल नंबर मेंशन करा गया ऊपर, बिल्कुल प्लेन है। यहाँ पे कुछ वायर कनेक्शन का एक स्टिकर जो वो मेंशन करा गया, इसके अलावा कुछ और डिटेल इस पर नहीं है। चलिए बैक साइड हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर का बैक साइड। यहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट सेक्शन दोनों ही मिल जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे इनपुट सेक्शन की, तो यहाँ पे आपके पास ये बैलेंस XLR हो जाते हैं जिसमें आपके पास इनपुट चैनल ए और चैनल बी दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट है। और इनमें से सबसे ज़्यादा जो कि खूबसूरत लग रहे हैं, ये छोटे छोटे फैंस देखने को मिल जाते हैं। अभी वो बचपन की बात याद में आ जाती है, जब हमारे पास वो हमारी टॉयज की जो मोटर्स होती थी उनमें हम पंखे छोटे छोटे लगाया करते थे, तो इसी साइज के हुआ करते थे, बहुत अच्छे लगते थे। अगेन यहाँ पे ये फैंस जो है वो काफ़ी स्पीड वाले फैंस है, इसको मैंने यूज़ में लिया है, काफ़ी स्पीड में जो है वो कूलिंग करते हैं। तो ये मत समझना कि ये छोटे फैंस हैं तो कूलिंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। टोटल फैंस की काउंटिंग एक बार बता देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 फैंस इसके अंदर दिए गए, काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आउटपुट सेक्शन, यहाँ पे आपके पास स्पीकॉन्स हो जाती हैं जिसमें आपको ब्रिज का भी जो है वो आउटपुट मिल जाता है। आप कनेक्शन चेंज हो जाएंगे, पीछे जो है वो पूरी डिटेल में मेंशन करा गया। इसके अलावा आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा हो कोई स्विच है ही नहीं, सेटिंग्स कर ही नहीं सकते, है ना। नहीं, ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ना, तो ये है स्विच सेटिंग, यहाँ से आप स्विच सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये पावर कॉर्ड हो जाता है। सिंपल सा बिल्कुल लुक दिया गया है पीछे से, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, स्लीक है एम्पलीफायर, यानी स्लिम स्लीक सा एम्पलीफायर आपको देखने को मिलता है। तो सभी आपको देखने को मिल जाता है एम्पलीफायर के इंटरनल पार्ट की क्वालिटी, और ये जो इंटरनल पार्ट की क्वालिटीज़ है, मतलब अभी मुझे भी जो देखने को मिलता है, मेरे लिए भी थोड़ा सा नया है। अगर क्लास डी है और क्लास डी की जो टेक्नोलॉजी होती है वो वाकई में अलग होती है। एक तो सबसे पहले इस एम्पलीफायर का पतला होने का मतलब यही है कि ये क्लास डी है।
अब क्लास डी के अंदर जो कि एफिशिएंसी रेट होता है, मतलब आप कह लीजिए एफिशिएंसी 95% या 90% जो आउटपुट मिलता है, और मात्र 5-10% के बीच में आपको हीटिंग मिलता है। हाँ, वो अलग बात है कि वो किस बेस पे और कैसे R&D से बना है और कहाँ बना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर जाता है ओवरऑल। इसलिए आपको यहाँ पे इस एम्पलीफायर में हीट सिंक सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये और ये यही बस इतनी सी हीट सिंक है। इसके अलावा कोई इसके अंदर अलग से कोई हीट सिंक नहीं लगाई गई। अब आप अगर क्लास एच के एम्पलीफायर में जाएंगे, क्लास एच के एम्पलीफायर में आप देखेंगे वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े हीट सिंक देखने को मिलते हैं। वो वही रीज़न है कि वहाँ पे जो एफिशिएंसी रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है क्लास एच का, 30-70 का जो होता है वो फ़र्क होता है ओवरऑल। यहाँ पे अगर मैं कुछ जानी मानी चीज़ें से यानी अगर मैं बोलूँ तो क्लास डी के अंदर ये जो कोर्स होती हैं, ये वाली जो लगी हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बेसिकली क्लास डी के एम्पलीफायर में ओवरऑल। जैसे कि मैं फ़ैन आपको दिखा रहा था तो यहाँ पे ये फ़ैन हो जाता है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं तो आपको एग्जैक्टली जो है वो मालूम चल जाएगा। और ये इसके पावर सप्लाई के कैपेसिटर्स हैं। अब यहीं पर सारी पावर स्टोर होती है, अगर आपको एकदम से पावर चाहिए तो वो यहीं से निकलती है। ये सारे जो कैपेसिटर्स हैं ना, ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं और ये लगे हुए हैं, ये पूरा भरा हुआ है। अब काउंटिंग तो मे भी हो सकता है, ये 150 जो है वो टोटल काउंटिंग है, लेकिन हो सकता है गलत काउंटिंग भी हो सकती है। 150 कैपेसिटर्स इसके अंदर यूज़ करे गए हैं। वैल्यूज़ जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन हो रही होगी कि किस वैल्यू के हैं ये ओवरऑल। ये है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एम्पलीफायर अगेन स्लिम काफ़ी ज़्यादा करा गया, मतलब हर एक चीज़ को जो है वो PCB पे ही बनाया गया है, वायर्स का कम यूज़ करा गया। सिर्फ और सिर्फ ये जो सिग्नल की वायर है यहाँ से जा रही है, आउटपुट की वायर हो जाती है बस, बाकी सारी चीज़ें जो वो इन PCB ही आपको माउंट देखने को मिलती है। तो उससे जो कि नॉइज़ होता है, नॉइज़ जैसे हम कहते हैं ना कि नॉइज़ आता है, हमिंग आता है, बहुत सारी चीज़ें जो वो इससे घट जाती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने में स्लिम और अगेन काफ़ी नया है मेरे लिए। तो आप कोई इंटरल पार्ट की क्वालिटी दिखानी थी वो दिखा चुका हूँ मैं यहाँ पे ओवरऑल। ये यहाँ पे इसके हीट सिंक्स हैं, ठीक है ना दोस्तों, ये है इसके इंटरल पार्ट की क्वालिटी। तो इससे कैसे लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इस एम्पलीफायर के जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। अभी दोस्तों हम जान लेते हैं इसकी पावर आउटपुट और बाकी इसकी स्पेशल्स। तो सबसे पहले हम पावर आउटपुट जान लेते हैं। ये दोस्तों आपको जो कि 8 ओम्स पे है, ये 3000 वाट आपको पर चैनल जो है वो निकाल के दे देता है। यहीं अगर मैं बात करता हूँ 4 ओम्स की, तो 4 ओम्स पे ही आपको 5100 यानी 5100 वाट जो है वो निकाल के दे देता है। यहीं पे कंपनी ने ये भी बोला है कि ये एम्पलीफायर जो वो 2 ओम्स स्टेबल रहेगा, 2 ओम्स पे आप इस पर लोड डाल के जो वो चला सकते हैं। तो देखेंगे, टेस्टिंग मैं करूँगा इसकी एग्जैक्टली आपको सारी चीज़ बताऊँगा। तो यहाँ पे अगर मैं 2 ओम्स की बात करूँ तो 7150 वाट जो है वो आपको 2 ओम्स पे मिल जाता है पर चैनल पे। अब ये एम्पलीफायर दोस्तों आपको ब्रिज पे भी वर्क करते हुए देखने को मिलेगा, यानी आप इसको ब्रिज पे भी जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो ब्रिज की अगर मैं 8 ओम्स की पावर आउटपुट बताऊं, यानी ब्रिज आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, आई थिंक आप कंफ्यूज हो रहेंगे। ये जैसे कि आपको 2 चैनल का एम्पलीफायर देखने को मिलता है, अगर आपको एक आउटपुट चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल आउटपुट चाहिए, तो ये जो कंबाइनेशन है यानी दोनों चैनल को कंबाइन करके आपको एक आउटपुट मिलेगा, वो होता है ब्रिज। अब ब्रिज में ये 8 ओम्स पे काम करता है और 4 ओम्स पे काम करता है, तो 8 ओम्स पे ये आपको निकाल के देता है 10200 वाट आपको निकाल के देता है। यहीं अगर मैं 4 ओम्स की बात करूँ तो 14280 वाट जो है वो आपको निकाल के देता है। कंपनी ने यहाँ पे मेंशन करा गया है इसका डैम्पिंग फैक्टर 5000 है। अब 5000 यहाँ पे ये 20 से लेके 200 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे टेस्ट करा गया एट 8 ओम्स, इस बात का आपको याद रखना है। वेट की अगर मैं बात करूँ तो 12 किलो उसका जो है वो नेट वेट आपको दिया जा रहा है। ओवरऑल एम्पलीफायर स्लीक है। बॉडी अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा SS में बनाया गया, काफ़ी अच्छा लगता है इसकी क्वालिटी को देख के। अब रहते ही है बात दोस्तों यहाँ पे इसकी टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग पे मैं अभी इस एम्पलीफायर को लगाने वाला हूँ 21 इंची डबल बेस के साथ में। हाँ, 21 इंची डबल बेस के साथ में। बहुत लोगों का हर एक वीडियो में जहाँ पे मैंने D30 को देखा है वहाँ पे क्वेश्चन ये रहता है कि भैया 21 इंची के हम चला सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा कि चला सकते हैं नहीं चला सकते हैं। खैर, एम्पलीफायर अपने आप ही बता देगा जब ये चलेगा। ओवरऑल चलते हैं, 2 21 इंची है, 2 लाइनरें लगा रहा हूँ यहाँ पे इसके साथ में। एक D40 भी हम यूज़ कर रहे हैं। D40 एक 4 चैनल एम्पलीफायर है, इसके लिए किसी दिन मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, यानी D40 और D60 का। ये 2 मॉडल जो हैं वो 4 चैनल है, हैवी वॉटेज के हैं, तो दोनों को हम जानेंगे किसी और दिन। आज के दिन हम देखते हैं अपनी D30 पे 2 बेस 21 इंची और D40 पे 2 चैनल पे एक एक लाइनरें हम लाल के देखते हैं कैसे रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है।
TKM Exclusive. कैसे लगी टेस्टिंग और कैसे लगा दोस्तों, इसका परफॉर्मेंस जरूर नीचे कमेंट्स बताना। वाकई में मतलब एम्पलीफायर को देख के मुझे नहीं लग रहा था कि ये चलने वाला है एम्पलीफायर, इसलिए मैं शुरुआत में आप देखेंगे मतलब एम्पलीफायर के बारे में मैंने ये कुछ नहीं बोला कि ये कैसा है रिस्पॉन्स। अगेन टेस्टिंग काफी दिनों से मैं कर रहा हूँ इस एम्पलीफायर को लेकर, D40 और D30 दोनों को चला रहा हूँ। D60 से D40 से बस पावरफुल है, यही फर्क है।
और मुझे नहीं मालूम था भैया ये D30 इतना ज़्यादा पावरफुल निकलेगा कि 21 इंची की बेस को, अगेन बहुत बड़ा एम्पलीफायर है, मतलब अगेन बहुत सारे एम्पलीफायर मैंने टेस्ट करे, हाँ 21 इंची बहुत अच्छा बजता है, मतलब वाकई में लगता है कि कुछ चल रहा है सामने। 18 जब 21 इंची सुन लेंगे तो 18 आपको बिल्कुल बेकार लगेगा, मतलब पसंद ही नहीं आएगा। अगेन 21 इंची पे ये एम्पलीफायर ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया, मैं काफ़ी दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ 21 इंची को, बहुत सुना है मैंने बहुत बहुत सारे एम्पलीफायर पे, बहुत सारे स्पीकर सुने हैं मैंने 21 इंची के, लेकिन यहाँ पे अगेन मुझे ये भी मालूम है कि हाँ ये स्पीकर कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है, एम्पलीफायर दब तो नहीं रहा है या आउटपुट कम तो नहीं आ रहा है, ये मुझे मालूम है मेरे बेस के अंदर। ये एम्पलीफायर कहीं नहीं दबा भाई, मतलब फुल यहाँ पे चला रहा था मैं पीक पे, इसको आप देख रहे होंगे पूरा फुल पीक पे चला रहा था। और हीटिंग इशू मुझे अगेन मैं खुद इंप्रेस हूँ यार, मतलब फैन इतनी स्पीड में भी चल रहे थे और मेरे आप चेहरे के एक्सप्रेशन से देख सकते हैं यार, मतलब वाकई में अलग चीज़ है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा, इसका आफ्टर सेल सर्विस, अभी क्या है कि कंपनी ने ये बोला है कि ये इजिली रिपेयरेबल हो जाएगा, हाँ इजिली रिपेयरेबल हो जाएगा, कंपोनेंट्स जो है वो कंपनी आपको अवेलेबल करवा देगी। अगेन यहाँ पे जो कि कुछ ऑडियो कार्ड है, जैसे कि ऑडियो कार्ड पीछे का छोड़ के यहाँ पे आगे जो है वो इसको फिट करा गया है, अगेन ऑडियो कार्ड तो जल्दी खराब होता नहीं है, नहीं तो वो पूरा चेंज होगा। अदरवाइज पूरे पीसीबी भी जितने भी आप कंपोनेंट्स देख रहे हैं, कैपेसिटर है और यहाँ पे आपके पास ट्रांजिस्टर्स हैं, कुछ आईसीज लगी हुई हैं, कुछ रिले, एक रिले लगा हुआ है और कुछ ट्रांसफॉर्मर्स एंड कोर्स हैं, बस यही है इसके अंदर। पीसीबी सारा पीसीबी इनबिल्ट जो है वो सारी चीज़ें गई हैं और ओवरऑल कंपोनेंट्स आपको ईजिली मिल रहा है, तो यस आप इसको ठीक कर सकते हैं, एक अच्छा खासा मिस्त्री हो वो तो ठीक कर सकता है ईजिली। बाकी कंपनी आपको आफ्टर सेल सर्विस में सपोर्ट करती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसको बाय करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा कि आप slvsales.in पे जाइए, ये आपको शोर होगा, ये वेबसाइट पे जाइए, बुक करिए, सीधे डायरेक्ट आपके घर पे पहुंच जाएगा। जैसे मैंने बताया इस पे दो पैकिंग और होती है, इस बॉक्स के ऊपर दो पैकिंग और होती है, तो ईजिली आपके घर पे पहुंचेगा। और कभी कभी बहुत सारे ऑफर्स भी चलते हैं, वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ एसएलवी सेल्स का, एसएलवी इंडिया का, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।